शाम के बज रहे हैं 7:45 और मैं बहुत थक गई थी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। आज एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से जिम किया तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। सो पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ज्यादा बिजी रही हूँ। ऑब्वियसली जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही है वहां लोग बिजी नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना। और जब बाहर पूरा पूरा दिन शॉपिंग के लिए निकलो तो क्या होता है, आपके खाने पीने का कोई होश नहीं रहता। और फिर जब आपको बहुत भूख लगती है तो आपको जो भी मिल रहा हो वो खा लेते हो, फिर चाहे वो वड़ा पाव हो या व्हाटएवर, जैसे हमने उस दिन मार्केट में खाया था। तो ठीक है, कभी कभी मजे के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर रोजाना ये होने लगा तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा। सो इसीलिए आज मुझे थोड़ा सा घर पे वक्त मिला है तो मैंने सोचा कि मैं बाजरे, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले व्हीट के बनाए थे और आप लोगों ने पूछा था कि कैसे बनाते हैं। आज मैं बाजरा के बना रही हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री हो जाएगा एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ मच मोर हेल्दियर ऑप्शन। सो मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये है 1 फुल कप ऑफ आलमंड्स। मुझे बादाम ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने बादाम की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है। आप चाहें तो सब आधा आधा कप भी ले सकते हैं और आपका जो भी फेवरेट है आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल, ऐसे कोई बाय द बुक इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सो ये मैंने लिया है 1 कप बादाम, ये है 1/2 कप ऑफ काजू, ये 1/2 कप ऑफ वॉलनट एंड ये है 1/2 कप ऑफ श्रेडेड पिस्ता। और अब हम सबसे पहले बाजरे का आटा जो है उसे भून लेते हैं। सो ये है 2 कप बाजरे का आटा। मैं बाजरा खरीद के चक्की में पिसवाती हूँ, पैकेट वाला बाजरा नहीं लेती। इसे आप ड्राई पैन में जो है अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, जब तक वो रोस्ट हो जाने वाली महक नहीं आती तब तक। जब मैंने गेहूं के बनाए थे तो सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया था और आज मैं भी पहली बार बाजरा बना रही हूँ, बट आई थिंक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही बनने वाला है, देखते हैं। चलिए अब टाइम टू फ्राई द ड्राई फ्रूट्स। मैंने जब भी लड्डू बनाया है मैंने हमेशा एक एक करके नट्स फ्राई किए हैं, कभी एक साथ नहीं किए, तो वो मेरी आदत है। अब ये मुझे आप लोग बताना कि अगर एक साथ फ्राई कर देंगे तो भी सारे नट्स इक्वली फ्राई होंगे या वो यू नो कंसिस्टेंसी के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं एक एक करके ही फ्राई करूंगी। आज एक्चुअली मैं कितने दिनों बाद आप लोगों के लिए कोई रेसिपी व्लॉग बना रही हूँ ना, बहुत लंबा गैप हो गया। चलिए मैंने सारे बादाम डाल दिए। सो इसे भी हम थोड़े टाइम के लिए रोस्ट करेंगे कि ये ऑब्वियसली जले भी ना, लेकिन वो खुशबू आ जाए और हमको देखने से भी समझ में आ जाएगा कि जब वो रोस्ट हो गया है, मे बी अराउंड 1 मिनट और सो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, सो हमारे आलमंड्स एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसे एक टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि जो घी है वो पूरी तरह से सोख हो जाए। और अब हम डाल देंगे काजू, ऐसे एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स हमें फ्राई कर लेने हैं। काजू को जब आप डालते हो घी में बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मत होइएगा, क्योंकि ये एकदम सेकंड्स में जो है ब्राउन हो जाता है और जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब पिस्ता को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फटाफट आप इसे भून के निकाल सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में सबसे हेल्दी ड्राई फ्रूट वॉलनट। सो हमारे सारे नट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखिए जो भुना हुआ आटा है वो भी मैंने एक परात में निकाल के रख लिया है। अब हमें इन सब नट्स का पाउडर बनाना है। सो मैं एक एक करके सबको जो है पीस लूंगी। आप अगर चाहें, अगर आपको पसंद है तो आप इन्हें थोड़ा मतलब टुकड़े जैसा भी रख सकते हो, पर मुझे और शोएब को भी ज्यादा ऐसे एकदम पीसा हुआ अच्छा लगता है कि वो पता ना चले कि आपके मुंह में आ रहे हैं, मुझे वैसे ज्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा पीसती हूँ, मतलब प्रॉपर पाउडर। ओके, ये देखिए अच्छे से हो गया है ये ग्राइंड। अब मैं इसे इसमें डाल के मिक्स कर दूंगी और ऐसे ही हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उन्हें पीस लेंगे।
सो आलमंड्स को पीसना सबसे ज्यादा थोड़ा सा टीडियस है, इसलिए नट्स जब आप पीस रहे हो, फ्राई आप कैसे भी कर लो वो तो आप लोग मुझे बताना, लेकिन जब आप पीस रहे हो ना तो आप अलग अलग ही पीसिएगा, क्योंकि किसी को ज्यादा वक्त लगता है, कोई जल्दी पिस जाता है, जैसे काजू बहुत सॉफ्ट होता है तो वो एकदम जल्दी पिस जाता है, बादाम को जैसे आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। चलिए अब मैं सिर्फ इतना डाल रही हूं, आप चाहे आप इसमें खसखस भी डाल सकते हैं, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, आप इसमें अंजीर भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास पम्पकिन सीड्स नहीं है, वरना मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ मैं पम्पकिन सीड्स जरूर डालती हूँ, तो वो तो आप जरूर डालिएगा। और यू नो देन इट्स योर विश, आपको मखाने डालने हैं, मखाने भी आप थोड़े से घी में भून के थोड़े क्रश करके पीस के डाल दीजिए, इट्स टोटली योर कॉल, मैं सिर्फ ये डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस पूरे आटे को। सो अभी मैं इसमें इलायची पाउडर जो है वो डाल रही हूँ, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से, बट इतने आटे के लिए एटलीस्ट 2 टीस्पून तो जरूर डालिएगा, आई डोंट माइंड अगर ज्यादा भी चला जाए। ओके सो हमने पाउडर तो सारा मिक्स करके रख लिया है, अब हम 1.5 कप गुड़ लेंगे और 1 कटोरी पानी, लेकिन पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे हमें पूरा घुला लेना है, हमें कोई उसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ जब तक गुड़ पूरी तरह से घुले बस तब तक जो है हमें इसे फ्लेम पे रखना है और फिर हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये जो गुड़ के साथ बाइंड करना है ये थोड़ा सा मुश्किल और ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है जब हम बाजरा या ज्वार यूज़ कर रहे हैं कि इसमें ग्लूटेन नहीं है, गेहूं में अपने आप में ग्लूटेन होता है, तो थोड़ी हेल्प गेहूं के ग्लूटेन से मिलती है, यहाँ पे आपको बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती, आपको जो है पूरा गुड़ पे ही रिलाई करना है। इसलिए बाजरे के जो आप लड्डू बनाओगे उसमें आपको गुड़ का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब आपको ये गुड़ का जो सिरप है ये आटे में मिक्स कर करके इसको जो है इसके लड्डू बनाने हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ, और आप पूरा मिक्स करके भी डाल सकते हैं। जब आप स्टार्ट करें तो बेटर होता है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि एकदम ज़्यादा स्वीटनेस ना हो जाए। बस आपको थोड़ा सा जो घी है वो अपने पाम में अच्छे से लगाना है, और जितने आप लड्डू जिस साइज का बनाना चाहते हैं उस साइज का लेके इसको आप फॉर्म कर दीजिए। And that's it. ये देखिए सो मैं जब भी शुरुआत करती हूँ आटे के साथ बनाने की तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी बीच में डालती जाती हूँ और वहीं के वहीं मिक्स करके लड्डू बनाती जाती हूँ, एटलीस्ट टिल हाफ द बैटर इज यूज्ड, क्योंकि उससे क्या होता है मिठास ज़्यादा नहीं होती, आपको अंदाज़ा रहता है और कलर से आप पहचान लेते हो कि गुड़ कम है या ज़्यादा है। सो ये एक प्लेट भर के लड्डू जो है वो रेडी हो गए हैं, तो लगभग हाफ जो बैटर है वो इसमें यूज हुआ है और ये हाफ बचा हुआ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट ऐड करूंगी। जैसे मैंने आपको बोला इट्स ऑल योर चॉइस, ये खोपरा भून लिया है और ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी। और अपने इसको सेम वे में मिक्स करके सेम वे में जो है बचे हुए पूरे आटे के मैं लड्डू बना, जो बचा हुआ मेरे पास ये मिक्सचर था उसमें मैंने लगभग 3/4 कटोरी ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट भून के डाला है, और इस तरह से देखिए अब इतना सा ही जो बैटर है वो बचा है, इसलिए मैंने इस मिक्सचर में पूरी तरह से गुड़ डाल दिया और घी के हाथ से मिक्स किया है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हुआ है। और अब हम इस तरह से ये वाले लड्डू भी बनाते चले जाएंगे, एंड मुझे तो खुशबू से इस वक्त ये इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर चुकी हूँ, वैसे बहुत यम्मी है। तो ये हो गए मेरे लड्डू रेडी, ये है विदाउट कोकोनट और ये है विद डेसिकेटेड कोकोनट। सो अभी लेके चलते हैं नीचे और सबको टेस्ट कराते हैं और फिर जब शोएब आएंगे तो उन्हें भी खिलाएंगे।